हेलो गाइस, वेलकम बैक। बात चल रही थी कैसे जो तीन अपने मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोजेक्ट, नेशनल फ्लड मिटिगेशन स्कीम एंड नेशनल लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्कीम। अभी बी और सी जो है वो प्रिपरेटरी फेज में है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, दैट वाज अ सक्सेस, तो बात करेंगे। देखो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको हम NCRMP भी बोल सकते हैं, ये 2010 में लॉन्च हुआ। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका विजन था, राइट। तो फेज वन स्टार्ट हुआ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, और फेज टू कंटिन्यू किया गया रेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, और इसने टेंजिबल रिजल्ट्स दिए, दैट वाज अ सक्सेस, राइट। 2015 में देखो सेंडाई कॉन्फ्रेंस हुआ था, 2016 में एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस फॉर DRR वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और इट गेव 10-point एजेंडा फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एम्फसाइज्ड ऑन सोशल इंक्लूजन, ओके। अब देखो नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसकी सेकेंड मीटिंग हुई, और जिसका थीम था डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेकिंग इंडिया रेजिलियंट बाय 2030, ओके। नाउ वी विल सी कि साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस इंडिया की कैसी है, राइट। तो भाई देखो, इंडिया की अगर आपको साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस जाननी है तो आप इसको दो पार्ट में जान सकते हो। पहला पार्ट है कि अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क, राइट, जो कि HRVM भी हम बोलते हैं, ह्यूमन रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, HRVA, और दूसरा है उसका मिटिगेशन क्या होगा, या जिसको हम DRR भी बोलते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राइट। तो पहला, अगर आपको डिजास्टर रिस्क के बारे में जानना होगा तो आपको इंस्टॉल करने होंगे लैंड एंड ओशियन बेस्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और डॉपलर वेदर रडार सिस्टम की वेदर कैसा है, राइट। नेक्स्ट आपको डिटेल्ड मैप बनाना होगा कोस्टल रीजन का, और उन कोस्ट्स को डिमार्केट करना होगा जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं साइक्लोन से। आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी कोस्ट की टू नो द शोरलाइन चेंजेस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का मौसम चल रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो सी वाटर लेवल राइज होता है। एंड establishing early warning system एंड state वाइड एरिया नेटवर्क, जिससे कि लास्ट कॉर्नर, ठीक है, और अंतिम पायदान पे बैठे वाले व्यक्ति तक भी न्यूज़ चली जाए कि भाई साइक्लोन आया है, राइट। तो आपको स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क establish करना होगा। नेक्स्ट, अगर हम मिटिगेशन और डिजास्टर की बात करें तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल, जो कि टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, दैट इज सेकंड इन नॉन स्ट्रक्चरल, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोड, लॉज, बिल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, एंड थर्ड इज क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहला अगर स्ट्रक्चरल की बात करें, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया होता क्या है, तो उसमें हमें साइक्लोन रेजिस्टेंट फीचर्स लगाने होंगे, ओके। नेक्स्ट, मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर बनाना होगा पीपल और लाइफ स्टॉक दोनों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जो सड़क पे चल रहे हैं कुत्ते, गाय, बकरी, ये सब को छोड़ दिया, बस लोगों को उठा रहे हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, रॉन्ग, ठीक है। जूज भी होते हैं, अब जू में जो शेर, भालू हैं, सांप हैं, उनको तो वहीं पर नहीं छोड़ सकते मरने के लिए। तो ऐसा मल्टीपर्पज, ठीक है, मल्टी यूटिलिटी एक साइक्लोन शेल्टर भी आपको एस्टैब्लिश करना होगा, और कोस्टल एम्बैंकमेंट्स बनाने होंगे जिससे कि सलीन वाटर एंटर ना करे। देखो नेक्स्ट, नॉन स्ट्रक्चरल में देखें तो आप देखो कि जो सुंदरबन है वो उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है फ्लड का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंग्रूव्स बहुत हैं। तो इसी तरह आप अगर मैंग्रूव्स को प्रिजर्व करके रखोगे, कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करके रखोगे, तो दीज आर द बायोशील्ड्स, ठीक है, विच विल सीवियरली डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन। नेक्स्ट है इकोलॉजिकली साउंड लैंड यूज डोनेशन बनाओ। केरल फ्लड्स, वन ऑफ द रीजंस फॉर केरल फ्लड्स वाज मेकिंग द लैंड यूज पैटर्न विच वाज अगेंस्ट नेचर, विच वॉज नॉट इकोलॉजिकली साउंड, इसलिए केरल में फ्लड्स जो है मैग्नीफाई हो गए, जो कि एक टाइम पे
उसको रुक जाना था, वो मैग्नीफाई हो गया, राइट. नेक्स्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स आपको बनाने होंगे, उसका मैनेजमेंट करना होगा, और ये टाइम टू टाइम देखना होगा कि ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं, ये जो रेगुलेशंस हैं, क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं ऑन ग्राउंड कि नहीं. वो नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट. तो पहले भाई R&D की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है. फिर हमें मॉनिटर करना होगा, कॉन्स्टेंट मॉनिटर करना होगा कि सी लेवल चेंजेस क्या है. और फाइनली देखो, क्लाइमेट चेंज जब नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है, तो भाई क्लाइमेट चेंज को अडेप्शन का मेजर्स भी स्टार्ट कर दो, स्पेशली उनके लिए जो कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है. ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स कौन सा होता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया. सो सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.